Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित विविध आयामों और विविध मुद्दों की चर्चा की हमारी श्रृंखला में हमने पीछे कई राजनीतिक दलों के बारे में बात की हमने कोशिश की कि हम भारत की दलीय प्रणाली के बारे में एक समझ विकसित करें उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी वामपंथी दल बहुजन समाज पार्टी और जनता दल की धारा से निकले दलों के बारे में हमने पीछे अध्ययन किया है आज आ, हम कुछ क्षेत्रीय दलों के बारे में अध्ययन करेंगे क्षेत्रीय दल मुख्य रूप से आ, एक राज्य तक सीमित होते हैं और जब मैंने आपसे जनता दल की धारा से जुड़ो से जुड़े दलों की बात की थी तो उनमें भी बहुत सारे दल क्षेत्रीय दल या राज्य स्तरीय दल ही हैं क्षेत्रीय दल आमतौर पर अगर हम आ, चुनाव आयोग की परिपाटी को देखें तो वह शब्द ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है उसके बजाय राज्य स्तरीय दल का इस्तेमाल होता है और यह एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत कुछ दलों को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित कसौटियों को पूरा करना होता है और उसके अलावा कुछ ऐसे दल होते हैं जो क्षेत्रीय दल नहीं होते हैं पर वो पंजीकृत दल होते हैं वो राज्य स्तरीय दल नहीं होते हैं लेकिन वो पंजीकृत दल होते हैं तो उन दलों को भी क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दे दी जाती है आज तो की इस चर्चा में हम उन दलों की बहुत संक्षेप में बातचीत करेंगे लेकिन हमारा मुख्य जो लक्ष्य होगा वो राज्य स्तरीय दलों के रूप में होगा जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में क्षेत्रीय दल कहा जाता है क्यों क्योंकि वो एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं वहाँ के मुद्दों वहाँ की, मुद्दो, की पहचान पर आधारित उनकी राजनीति होती है तो यह मुमकिन तो नहीं है कि हम हर तरह के क्षेत्रीय दल का एक अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत कर पाए पर मैं आज की इस चर्चा में यह कोशिश करूंगा कि आपके सामने क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दलों की परिभाषा को रखूं और उसके बाद क्षेत्रीय दलों के उदय के कारणों के बारे में हम कुछ बात करेंगे कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दलों का हम अध्ययन करेंगे इसमें अकाली दल और द्रविण पार्टियाँ विशेष रूप से द्रमुक यानी कि डी और अन्ना द्रमुख यानी कि ए आई शामिल हैं इसके बाद शिवसेना और तेलुगु देशम पर भी हमारा ध्यान रहेगा अब ये हो सकता है कि जो मैंने इन चार पार्टियों का नाम लिया उनमें से चर्चा में हम किसी एक पार्टी पे पहले जाएं और दूसरी पार्टी पे बाद में जाएं अब सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं और जैसे मैंने आपको शुरू में यह बात स्पष्ट कर दी कि जब मैं यहाँ क्षेत्रीय दल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं उस बोलचाल की भाषा का सहारा ले रहा हूँ जि जहाँ पर हम तकनीक का ज़्यादा ध्यान ना रखते हुए क्षेत्रीय दल शब्द का इस्तेमाल करते हैं पर यहाँ पर तात्पर्य राज्य स्तरीय दलों से ही है और अन्य जो पंजीकृत दल हैं जिनका कि राज्य के किसी छोटे हिस्से में प्रभाव होता है उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं तो जो राज्य स्तरीय दल होते हैं आ, उन्हें राज्य स्तरीय दलों का दर्जा तभी प्रदान किया जाता है जब वो कुछ खास शर्तों को पूरा कर रहे होते हैं मिसाल के तौर पर यदि कोई पार्टी राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से कम से कम तीन सीट या कम से कम तीन सीटें जो भी ज़्यादा प्राप्त करती हो उसकी वो यह कसौटी पूरी करे। दूसरा यदि कोई पार्टी लोकसभा के लिए उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उस संख्या की किसी भिन्न पीछे कम से कम एक सीट प्राप्त करती हो यानी कि अगर वह संख्या 25 से कम है तो कम से कम एक सीट प्राप्त करे या इस तरीके के जो यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों में से कम से कम छः मत प्राप्त करती है और साथ ही साथ कम से कम एक लोकसभा सीट या दो विधानसभा सीट जीतती है एक अन्य मापदंड के अनुसार यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में किसी राज्य में किसी में एक भी सीट जीतने में विफल रहती है लेकिन वह उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों में से आठ प्रतिशत मत प्राप्त करती है तो उस राज्य में उस पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है तो ये जो मुख्य कसौटी है वह यह है कि राज्य में उसकी एक खास स्तर की उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए या तो वो कुछ विधानसभा सीटें जीते या एक निश्चित मात्रा में वोट उसके पास प्राप्त हो और यहाँ अगर हम जो बात करें हम शिरोमणि अकाली दल के बारे में अपनी चर्चा शुरू करेंगे लेकिन अगर हम क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय के बारे में बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि जो अलग अलग क्षेत्र हमारे देश में हैं क्योंकि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है और यहाँ एक राजनीतिक पार्टी के रूप में राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक लंबे समय तक रही वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में है लेकिन ये दल भी अपने सबसे मज़बूत स्थिति में रहने पर भी यानी कि जब इनका उभार सबसे ज़्यादा हुआ हो हुआ था या हुआ है भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में तब भी ये यह दावा नहीं कर सकते हैं कि इनकी पहुंच देश के हर राज्य में है तो ऐसी स्थिति में उन राज्यों में जहां पर इन दलों की पकड़ नहीं है और जहां पर विशेष रूप से एक पृथक पहचान की राजनीति है वहां क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है और इन क्षेत्रीय दलों ने मुख्य रूप से उस क्षेत्र विशेष के मुद्दों को उठाने की कोशिश की है वहाँ की अस्मिता के आधार पर अपनी राजनीति को गढ़ने की कोशिश की है और अगर हम इन क्षेत्रीय दलों की भूमिका को देखें तो ये अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए केंद्र की राजनीति में दखलंदाजी करते रहे हैं उसमें अपनी भूमिका का निर्वाह करते रहे हैं यानी इनकी राजनीति का जो पूरा केंद्र होता है उसमें क्षेत्र प्रथम यह एक वाक्य के रूप में या यह एक सूत्र वाक्य के रूप में काम करता है इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा आने पर यह दल क्षेत्र प्रथम या अपने क्षेत्र को वरीयता देने की बात करेंगे लेकिन इसका अर्थ यह ज़रूर है उस समय निश्चित रूप से ये राष्ट्रहित की बात करते हैं लेकिन इसका अर्थ यह जरूर है कि अगर विकास संसाधनों के आवंटन की बात हो अगर राज्य की पहचान को दृढ़ता से रखने की बात हो या अन्य राज्यों से विवादों का मसला हो ऐसे अवसर पर यह दल ज़्यादा लचीला या ज़्यादा समझौतावादी रुख अपनाने के बजाय एक ऐसा रुख अख्तियार करते हैं जिससे इनका आ, जो मतदाता है वह यह समझे कि ये दल उस प्रांत या उस राज्य के हितों के प्रति जागरूक हैं सचेत हैं उसके लिए काम कर रहे हैं अब यहाँ पर अगर हम राष्ट्रीय दलों की भूमिका को देखें तो वह भूमिका थोड़ी अलग हो जाती है क्योंकि राष्ट्रीय दलों को देश के अलग अलग भागों में अपने आप को जवाबदेह दल के रूप में प्रस्तुत करना होता है इसलिए वे उस सीमा तक राज्य के स्तर की पहचान की बात नहीं करते हैं जिस सीमा तक क्षेत्रीय दल करते हैं तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय दलों की पहुँच का अभाव होना या राष्ट्रीय दलों के प्रभाव में कमी आना यह एक ऐसा प्रमुख कारण रहा है जिसने क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा दिया है और मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों में क्षेत्रीय अस्मिता भाषाई अस्मिता ज़्यादा रही है वहाँ भी क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा मिला है कई ऐसी स्थिति भी आई है जब राष्ट्रीय दलों के से मोह भंग होने के कारण एक एकाएक ऐसा एक क्षेत्रीय नेता उभर कर सामने आता है जो राष्ट्रीय दल को उस राज्य की सत्ता से बेदखल कर सकता है और ऐसे कई उदाहरण हम देख सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर हम एन टी राव के आंध्र प्रदेश में उदय की बात करें या फिर असम गण परिषद की बात करें जो असम में एकदम से युवाओं के दल के रूप में उभर कर सामने आया तो उसके पीछे मुख्य कारण यही था कि लोग राष्ट्रीय दल की भूमिका से नाराज थे उससे आज आ चुके थे और उसी तरीके से कई ऐसे प्रांत है जहाँ पर पहले से ही राष्ट्र की जो अवधारणा भारतीय राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है उससे पृथक होने की भावना पृथक इन दिस इस अर्थ में कि खुद को अलग दिखाने की भावना मजबूती से रही है और वो अलग दिखाने की भावना के कारण वहाँ पर जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने अपने आप को स्थापित किया तमिलनाडु में अगर हम डीएमके की बात करें या पंजाब में अकाली दल की बात करें तो ऐसे ही दलों की श्रेणी में वो आते हैं तो मुख्य रूप से हम बहुत तरह के क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को देख सकते हैं मेरी आज की इस चर्चा में कोशिश होगी कि मैं चार ऐसे क्षेत्रीय दलों का विवरण उनकी राजनीति का विवरण उनके इतिहास का विवरण उनके सैद्धांतिक स्वरूप का विवरण और उनकी वर्तमान दशा का विवरण और उसका विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करूं। निश्चित रूप से ऐसे में कई सारे क्षेत्रीय दल छूट जाएंगे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं रख पाऊंगा और गण परिषद के बारे में भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की भी हम विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं आ, आ, लेकिन चूँकि हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा महत्वपूर्ण और देश के अलग अलग भागों में मौजूद कुछ दलों की चर्चा करें तो हम मुख्य रूप से चार दलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे शिरोमणि अकाली दल शिवसेना और उसके बाद डीएमके और उसके साथ एआईए डीएमके की भी हम चर्चा करेंगे और फिर देशम पार्टी की लेकिन इसके साथ ही जब आखिर में मैं कुछ आलोचनात्मक पहलुओं की बात करूंगा तो मेरी यह कोशिश होगी कि मैं अन्य दलों की प्रवृत्तियों को भी इसमें समेटने की कोशिश करूँ अब हम शिरोमणि अकाली दल के बारे में अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग यह जानते होंगे कि अकाली दल पंजाब में एक केंद्रित पार्टी है और आ, आज वर्तमान दौर की राजनीति में यह लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है विशेष रूप से अगर हम देखें तो एन के गठन के समय से ही ये भाजपा आ, के समर्थक दल के रूप में रही है पंजाब में इसका काफ़ी वर्चस्व है लेकिन और एक इसके साथ यह बात बात भी आती है कि वर्तमान समय में जो बादल परिवार है प्रकाश सिंह बादल और उनके पुत्र उनका इस पार्टी पर गहरा दबदबा है तो एक तरीके से यह बात भी एक आम समझ में अगर हमें राजनीतिक दलों में रुचि है तो हम इस चीज़ को समझ, एक ही समझ रखते हैं लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम शिरोमणि अकाली दल की इतिहास को भी समझें और यह एक पुरानी पार्टी नहीं है यह सॉरी यह एक नई पार्टी नहीं है यह एक ऐसी पार्टी नहीं है जो 30 साल पहले या 20 साल पहले गठित हुई बल्कि इस पार्टी की जो बुनियाद है इस पार्टी का जो इतिहास है वह आज़ादी के आंदोलन के वक्त से शुरू होता है आ, यह भी एक बात है कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के नाम से बहुत से राजनीतिक दल हैं और इसका प्रमुख कारण यह है कि सत्तर के दशक में अस्सी के दशक में और नब्बे के दशक में भी इसका छोटा छोटा विभाजन होता रहा आ, लेकिन प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाला जो अकाली दल है उसे ही चुनाव आयोग ने शिरोमणि अकाली दल का दर्जा दिया है कई बार इसके लिए अकाली दल बादल शब्द का भी प्रयोग किया जाता है यह जो शिरोमणि अकाली दल है वह सिखों की धार्मिक संस्थाओं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को नियंत्रित करता है आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के दौर में अकाली दल ने सिखों के की राजनीति की है आज़ादी के बाद के दौर की इसकी राजनीति में इसने गैर कांग्रेसवादी राजनीति को हिमायत की है और इसका एक बड़ा कारण यह है कि पंजाब में इसका मुख्य मुकाबला मुख्य चुनावी मुकाबला कांग्रेस से ही रहा है हम इस पहलू पर और विस्तार से चर्चा करेंगे अकाली दल का गठन चौदह दिसंबर 1920 को हुआ था सिखों की धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सक्रिय जत्थे के रूप में इसका गठन हुआ था इसका मकसद गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के चंगुल से मुक्त कराना था इन महंतों को औपनिवेशिक शासन का समर्थन भी मिला हुआ था 1920-25 के दौरान इसके लिए जबरदस्त आंदोलन चला अकाली दल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया अंग्रेज सरकार ने 1925 में सभी गुरुद्वारों का प्रबंध सिखों की एक निर्वाचित संस्था को सौंप दिया इसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कहा गया इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ही अपना जुड़ाव कायम किया 1930 के दशक में अकाली दल मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के काफ़ी नज़दीक आ गया और 1937 और 1938 में अकाली दल और इसके नेता मास्टर तारा सिंह ने अकाली सदस्यों को कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए भी कहा लेकिन द्वितीय युद्ध आते आते यह संबंध खराब हो गया भारत की आज़ादी के संघर्ष के दौरान जब मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की तो अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह ने भी सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र राज्य बनाने की मांग की और जो मुख्य शिकायत मास्टर तारा सिंह की या फिर अकाली दल की कांग्रेस से थी वह यह कि सिखों की जो एक पृथक पहचान है उसको कांग्रेस के भीतर उस तरीके से मान्यता नहीं मिल रही थी और मास्टर तारा सिंह को यह एहसास भी हुआ कि वे अंग्रेजों के प्रति एक अच्छा रवैया अपनाकर सिखों के लिए बेहतर स्थिति हासिल कर सकते हैं और धीरे धीरे जब मुस्लिम लीग ने अपनी मांग रखी पाकिस्तान की 1940 के दशक की शुरुआत में और धीरे धीरे करके इसको मजबूती मिलती गई तो मास्टर तारा सिंह के मन में भी यह आया कि जैसे मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र राज्य की मांग की जा रही है और वो बहुत ज़ोर शोर से उठ रही है और उसे ऐसा उस समय लग रहा था और बाद में ऐसा हुआ भी कि अंग्रेजों ने उसे स्वीकार कर लिया तो मास्टर तारा सिंह के मन में आया कि सिखों के लिए भी एक अलग राष्ट्र राज्य बने लेकिन उस समय इस मांग को कोई खास समर्थन मिला नहीं और इसके कारण उन्होंने भी इस मांग पर ज़्यादा जोर नहीं दिया आज़ादी के बाद भी अकाली दल ने अपनी नरमपंथी सांप्रदायिकता की नीति जारी रखी आ, इसने पंजाबी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग की असल में भाषा की आड़ में अकाली दल ने धर्म यानी सिख धर्म के आधार पर एक अलग राज्य बनाने की मांग की इसलिए नेहरू ने इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया नरमपंथी सांप्रदायिकता से यहाँ पर मतलब यह है कि आ, सीधे तौर पर अन्य समूहों के खिलाफ अकाली दल ने यानी कि गैर सिख समूहों के खिलाफ अकाली दल ने जहर नहीं उगला उन्हें खुद से अलग नहीं माना लेकिन आ, सिखों की पहचान को जोड़कर एक राजनीतिक राज्य एक राजनीतिक मांग उसने रखी कि एक अलग राज्य बनाया जाए नेहरू शुरुआत में तो भाषा पर आधारित राज्यों के भी बहुत समर्थन में नहीं थे लेकिन उन्होंने भाषा पर आधारित राज्यों की मांग मान ली ले। लेकिन जो पंजाबी भाषा के नाम पर आ, एक अलग राज्य की मांग की जा रही थी उसे नेहरू ने बहुत गंभीरता से इसलिए नहीं लिया या उसकी उपेक्षा की क्योंकि उसके साथ धर्म का मसला भी जुड़ा हुआ था जब आंध्रा बना या कर्नाटक बना तो वहाँ पर भाषा का मसला था धर्म उस तरीके से आ, एक बुनियादी आधार के रूप में काम नहीं कर रहा था पर पंजाब के साथ चूंकि यह स्थिति थी इसलिए नेहरू को लगा कि ये एक अलग किस्म की सांप्रदायिक राजनीति हो सकती है लेकिन इसलिए उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया लेकिन अकाली दल बार बार इस बात को जोर देता रहा कि पंजाबी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए फिर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने पंजाब को एक अलग राज्य का दर्जा दिलवाया और यह राज्य अगर हम पंजाब की स्थिति को देखें तो इस राज्य में मुख्य रूप से जो सिख लोग हैं उनकी बहुलता है और इसकी राजधानी के रूप में चंडीगढ़ को स्वीकार किया गया चंडीगढ़ के बारे में पंजाब और उससे अलग होकर बने हरियाणा के बीच में हमेशा ही एक विवाद की स्थिति रही दोनों ही राज्य इसे अपने राजधानी का दर्जा देते हैं और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी है अकाली दल ने सिख पहचान की राजनीति की लेकिन कभी भी ये पंजाब की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम नहीं कर पाया यहाँ यह हमेशा एक मजबूत दल के रूप में रहा लेकिन इसे कांग्रेस पार्टी से जबरदस्त चुनावी चुनौती का सामना करना पड़ा कई बार यह कहा जाता है कि अकाली दल की सिख पहचान की राजनीति को बोथरा करने के लिए इसके प्रभाव को कमज़ोर करने के लिए ही इंदिरा गांधी ने सिखों के ज़्यादा उग्र तत्वों को बढ़ावा दिया जिसमें कि भिंडरावाले प्रमुख थे और वो एक ऐसा दौर था जिसमें कि वाले ने अपने आप को सिखों की अस्मिता के सबसे आ, मजबूत ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया एक तरीके से यह अकाली दल की राजनीति को चुनौती थी क्योंकि अकाली दल का जो सिख पहचान पर था लेकिन वह पूरी तरीके से सिखों की धार्मिक अस्मिता को आधार बनाकर राजनीति नहीं करती थी उसके लिए अन्य मुद्दे भी प्रमुख थे तो जब यह स्थिति आई तो भिंडरा वाले से जब एक चुनौती मिली तो आ, अकाली दल के लिए भी यह जरूरी हो गया कि वह अन्य मुद्दों पर कोई सख्त रवैया अपनाएं लेकिन एक समय के बाद इंदिरा गांधी की सरकार को यह एहसास हुआ कि भिंडरावाले एक खतरे के रूप में उभर रहे हैं क्योंकि यह खबर आने लगी कि उन्होंने हथियारों का जखीरा जमा करना शुरू कर दिया है तो ऐसी स्थिति में ही इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करने का आदेश दिया जिसमें कि भारत की सेना स्वर्ण मंदिर के भीतर गई और वहाँ पर भिंडरावाले को आ, मारा गया और ये बहुत आ, बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ और इस समय से ही एक खालिस्तानी आंदोलन आ, और ज़्यादा मजबूती से सामने आने लगा जो खालिस्तान आंदोलन था उसमें आ, जो मुख्य जोर था वो इस बात पर ही था कि हिंदुस्तान के भीतर सिखों की धार्मिक पहचान उनके धर्म स्थलों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है और इसलिए जरूरी इस बात की है जरूरत इस बात की है कि सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जाए विदेशी शक्तियों से भी आ, सिखों के उग्र उग्रवादी सिख समूहों को काफ़ी मदद मिल रही थी और पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह के आंदोलन को प्रोत्साहन मिल रहा था और यह जो खालिस्तान था जब यह एक स्थिति आने लगी कि या तो खालिस्तानी आ, आतंकवादी किसी दिन आ, पुलिस या आम लोगों में से कुछ लोगों की हत्या कर रहे थे या कई बार वो वो मारे जा रहे थे तो अकाली दल के भीतर के कुछ तत्वों के में भी इस तरह की धार्मिक अस्मिता और इसके आधार पर चलने वाले आंदोलन के प्रति एक झुकाव की भावना आई जिसके कारण से अकाली दल का कई बार विभाजन हुआ और उसमें अलग अलग तरीके के गुट बनते गए सिमरनजीत सिंह मान हो या तोहड़ा एक अन्य नेता थे इस तरीके से कई नेता अपने अपने गुटों के साथ सामने आते गए लेकिन आखिरकार यह बात सामने आई कि प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाला अकाली दल ही प्रमुख अकाली दल के रूप में है और जब ये, ये इस राज्य का गठन हुआ था तो सबसे पहली सरकार कांग्रेस की बनी थी जो मैंने पहले बात रखी थी वह बात एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि ऐसा नहीं था कि पंजाब की राजनीति में अकाली दल शुरू से बहुत ही वर्चस्वशाली था लेकिन उन्नीस में राज्य में आतंकवाद के उभार से पहले अकाली दल के भी नेता मुख्यमंत्री बने लेकिन कोई भी नेता अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया बाद में प्रकाश सिंह बादल एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए जिन्होंने अकाली दल को आ, मजबूती प्रदान की और आ, जो एक आ, धार्मिक अस्मिता ग, बड़ी धार्मिक अस्मिता या मजबूत धार्मिक अस्मिता की राजनीति थी उस उससे अकाली दल को थोड़ा अलग किया यानी कि ऐसा नहीं था कि अकाली दल ने धर्म और अस्मिता की राजनीति से किनारा कर लिया पर सिर्फ उसी आधार पर अकाली दल की राजनीति या पंजाब की राजनीति ना हो इस पर उन्होंने ध्यान रखा मुझे ये उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि पंजाब में एक लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रहा उसके बाद जब उन्नीस के आसपास पंजाब में चुनाव हुआ तो बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने उनकी हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा और फिर कांग्रेस की तरफ से दो अन्य नेता मुख्यमंत्री रहे लेकिन जब यह कार्यकाल पूरा हुआ और मुख्य बात यह है कि उस चुनाव में अकाली दल ने भागीदारी नहीं की थी क्योंकि उस समय तक पंजाब की स्थिति सामान्य नहीं हुई थी और एक तरीके से विरोध के स्वरूप में अकाली दल ने उसमें भाग नहीं लिया था लेकिन उसके बाद उन्नीस से लेकर दो तक के की जो अवधि है बीस सालों की उसमें पंद्रह वर्षों तक प्रकाश सिंह बादल राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं गैर अस्मितावाद गैर कांग्रेसवाद और सिख अस्मिता इनकी राजनीति के बुनियादी दो बुनियादी आधार रहे हैं तो हम यह देखेंगे कि जब एन का गठन होता है उस समय से ही अकाली दल ने खुद को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जोड़ लिया और लगातार इनका एक जुड़ाव बना रहा अभी हाल के समय में एक घटनाक्रम यह हुई है कि 2020 में अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से अपना पुराना गठजोड़ तोड़ दिया है और इसके पीछे जो मुख्य कारण उन्होंने बताया वह यह था कि जो कृषि कानून तीन पारित किए गए संसद से वह पंजाब के किसानों के हितों के विपरीत थे तो आ, उनकी जो मंत्री थी हरसिमरत हर सिंह हरसिमरन हरसिमरत कौर वह भी सरकार से हटी और अकाली दल ने भी उनसे समर्थन भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ लिया लेकिन जो मुख्य यहाँ पर बात है वह यह कि एक गैर कांग्रेसवाद की राजनीति हमेशा ही अकाली दल की राजनीति का मुख्य तत्व तो रहा है और इसका एक बड़ा कारण तो यह था कि कांग्रेस ही एक ऐसे दल के रूप में हमेशा रहा है जिसने अकाली दल का पंजाब की राजनीति में वर्चस्व होने से रोका है दूसरा कि 1980 के दशक के जो घटनाक्रम हुए सिर्फ़ खालिस्तान आंदोलन नहीं बल्कि यह भी कि जो सिखों की एक तरीके से नरसंहार जैसा हुआ इंदिरा गांधी की हत्या के बाद और फिर आतंकवाद के दमन के नाम पर जिस तरीके से पंजाब के युवाओं को नियंत्रित करने के लिए कई बार निर्दोष युवाओं को भी उसका शिकार बनाया गया तो ये सारी परिस्थिति जो कांग्रेस के शासनकाल के समय में उभरी उसने अकाली दल को हमेशा के लिए कांग्रेस के खेमे से अलग रखा और उसके विरोध को और मजबूती ही प्रदान की और दूसरी सिख अस्मिता की बात इनकी राजनीति में रही है और जो ये राज्य या राज्य के हितों के लोगों का जो एक पहलू है वह उसमें और सिख अस्मिता दोनों में एक तरीके का घालमेल भी या एक गहरा जुड़ाव भी हम देख सकते हैं क्योंकि पंजाब में जो एक बड़ी जनसंख्या है वह सिखों की ही है तो इनकी जो राजनीति है वो इन दो आधारों पर चलती है पंजाब की राजनीति की एक खासियत यह है कि यहाँ की राजनीति में कुछ परिवारों का वर्चस्व है और यह बात कांग्रेस के बारे में भी सच है और अकाली दल के बारे में भी सच है तो ये एक ऐसी सीमा है जिसके कारण से हम यह कह सकते हैं कि राजनीति में नए तरह के लोगों के आने और अपना वर्चस्व जमाने की जो प्रवृत्ति है उस पर एक बड़ी रोक लगी है इस पहलू पर हम बाद में थोड़े विस्तार में और चर्चा करेंगे शिवसेना की हम अब बात करेंगे शिवसेना एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका मुख्य आधार महाराष्ट्र तक है हालांकि अन्य राज्यों में भी इसकी इकाइयां हैं आ, कई बार आप समाचार पत्रों में पढ़ सकते हैं कि शिवसेना की एक इकाई बनारस में भी है या कई कई बार शिवसेना यह दावा करती है कि वो बिहार में भी कुछ उम्मीदवार उतारेगी या पश्चिम बंगाल में भी उम्मीदवार उतारेगी लेकिन वह एक ऐसी स्थिति में नहीं है कि कोई भी एक प्रभावकारी उपस्थिति अन्य राज्यों में दर्ज करा पाए मुख्य रूप से यह महाराष्ट्र में सिमटी हुई पार्टी है और इसका गठन उन्नीस में मुंबई में हुआ था और इसका गठन बाल ठाकरे द्वारा किया गया था जो पेशे से कार्टूनिस्ट थे यह मराठा पहचान और भूमि पुत्र की अवधारणा पर गठित हुआ राजनीतिक दल था इसका उभार एक उग्रपंथी आंदोलन के रूप में हुआ था और बाल ठाकरे शुरुआत में इन्होंने जो मजदूर यूनियन थे उनके खिलाफ़ एक तरह की राजनीति की और वहाँ मुंबई से मजदूर यूनियनों का जो एक प्रभाव था या दूसरे शब्दों में जो एक पूंजीपति थे जो उनसे काफ़ी परेशान थे उनको नियंत्रित करने में बाल ठाकरे और उनकी शिवसेना ने काफ़ी मदद की और बाल ठाकरे की राजनीति का जो एक बड़ा आधार था शुरुआती दौर में वह मराठा पहचान पर जोर देना था और उन्होंने बाहरी लोगों को मुंबई में आने या वहाँ के नौकरियों को हथियाने की जो एक स्थिति चल रही थी उसका उन्होंने तीखा विरोध किया और शिवसेना ने आरंभ से ही उन मराठी युवाओं के आक्रोश को अभिव्यक्ति दी जिन्हें मुंबई जिसे उस समय बम्बई कहा जाता था उन आ, उससे दक्षिण भारत से आए लोगों की कामयाबी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था बम्बई या मुंबई को जो अब मुंबई है आ, उसको भारत की आर्थिक राजधानी भी माना जाता है तो ऐसे में यह सहज सी बात है कि वहाँ के अवसरों पर अन्य राज्य की युवा भी आकर उसका लाभ उठाते थे उन अवसरों का आ, तो ये जो बुनियादी बात शिवसेना की रही उसका उसने इस बात पर जोर दिया कि जो यहाँ की नौकरियाँ हैं वो मराठा लोगों के लिए होनी चाहिए और अगर बाहरी लोग यहाँ पर आकर इन अवसरों को ले रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है तो एक तरीके से ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने मराठा युवाओं के भीतर या महाराष्ट्र के युवाओं के भीतर शिवसेना के एक आधार को बनाया लेकिन इसके साथ ही शिवसेना की एक कोशिश यह भी रही कि वह एक तरीके से अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्रवाद से खुद को जोड़े और ऐसी स्थिति में बार बार शिवसेना की तरफ से यह कोशिश की गई कि जो दक्षिणपंथी राजनीति है वो उससे अपने आप को जोड़ कर रखे कई बार जो बाहर से आने वाले लोग थे उसके मुद्दे मुद्दे को शिवसेना ने उठाया और ये सिर्फ अपने आरंभिक दौर में नहीं बाद में भी यह इसका पसंदीदा मुद्दा बना रहा और इस पसंदीदा मुद्दे के कारण आ, जो भी समस्या मुंबई में होती थी उसके लिए ये ज़िम्मेदारी बाहरी लोगों पर डाल देते थे और इसके कारण से हमेशा ही इन्हें आ, मुंबई और उसके आसपास के शहरी क्षेत्रों के मराठा लोगों की का समर्थन मिलता था मैंने पहले इस बात का उल्लेख किया है कि ट्रेड यूनियनों को कमजोर करने के लिए भी शिवसेना का एक तरीके से इस्तेमाल किया गया और बहुत जोर शोर से शिवसेना ने मराठा लोगों के गौरव में इतिहास की बात शुरू की और जो ये शिवसेना इसका नाम था वह भी शिवाजी की सेना के आधार पर रखा गया था और मराठा मराठों के सैनिक विजय और शानदार संस्कृति पर जोर दिया शिवसेना ने और शिवसेना ने हिंदू राष्ट्रवाद और मराठा क्षेत्रवाद का अद्भुत मिश्रण तैयार किया 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में जब विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने राम जन्मभूमि के मुद्दे को भारतीय राजनीति के केंद्र में ला दिया तो शिवसेना ने भी पहले हिंदू होने के नारे को अपना लिया और वह अयोध्या में राम मंदिर बनाने के आंदोलन से जोर शोर से जुट गई उन्नीस सौ बानवे में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुंबई में बहुत जबरदस्त दंगे हुए इन दंगों में हजारों मुसलमानों की हत्या कर दी गई कई जगहों पर हिंदुओं पर भी हमला किया गया शिवसेना और इसके नेता बाल ठाकरे पर यह आरोप लगा कि उन्होंने दंगों को भड़काने में सक्रिय भूमिका निभाई इस पूरी प्रक्रिया में शिवसेना ने खुद को महाराष्ट्र के भीतर के हिंदुओं के रक्षक के रूप में पेश किया असल में शिवसेना की जो उस समय की पूरी राजनीति थी वह यह थी कि आ, उसने अपने आप को महाराष्ट्र में एक तरीके से दक्षिणपंथी राजनीति के, के केंद्र में स्थापित करने की कोशिश की और यह बात बाद में साबित भी हुई क्योंकि भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को उन्नीस में सरकार बनाने का मौका मिला लेकिन उस समय शिवसेना बड़ी पार्टी के रूप में थी और भाजपा छोटे सहयोगी के रूप में और बाल ठाकरे ने इस यह काम करने के लिए खुद को महाराष्ट्र के भीतर हिंदुत्व के चेहरे के रूप में स्थापित करने के लिए दो रणनीतियों का सहारा लिया एक तरफ उन्होंने दंगों में आ, इस तरह की बातें कही कि अगर हिंदुओं को मारा जाता है तो हिंदू भी मारेंगे तो वो उस पूरी समस्या को हिंदू मुसलमान और भड़काऊ भाषण हिंदू मुसलमान के रूप में पेश करके भड़काऊ भाषण देने से बाज नहीं आए और बाद में श्री कृष्ण आयोग ने भी उनकी भूमिका को काफ़ी गंभीर माना था और उनके खिलाफ गंभीर टिप्पणियाँ की थी और श्री कृष्ण आयोग का गठन आ, मुंबई दंगों की जांच के लिए हुआ था तो उस आयोग ने इस तरह की टिप्पणी बाल ठाकरे पर की थी और दूसरा बाल ठाकरे ने बड़े ज़ोर शोर से कहा क्योंकि जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो पूरा नज़रिया था वो ये रहा कि हमें तो बड़ा दुख है और भीड़ अनियंत्रित हो गई और भीड़ ने ऐसा कर दिया लेकिन बाल ठाकरे ने दो कदम आगे बढ़कर कहा कि हमारे शिव सैनिकों ने ऐसा किया है अगर भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है तो हम इसके लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं तो ये जो एक हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको बाल ठाकरे ने अपनाया और इसके कारण से वो महाराष्ट्र में एक बड़े दल के रूप में शिवसेना को स्थापित कर पाए और शुरुआती दौर में उनके उनके गठबंधन में जो भाजपा की स्थिति थी वो एक छोटे सहयोगी के रूप में थी और इन चुनावों के बाद जो शिवसेना की सरकार बनी उसमें जो मुख्यमंत्री बने वो ठाकरे परिवार से अलग दो नेता बने मनोहर जोशी और नारायण राणे और भारतीय जनता पार्टी के उप, उप मुख्यमंत्री रहे इसके अलावा आ, ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का भी भाग बनी उन्नीस और 2004 के बीच इसने आ, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में आ, अपने मंत्रियों को रखा और गठजोड़ की राजनीति के कारण ही इसके नेता मनोहर जोशी 2002 से 4 के बीच लोकसभा के अध्यक्ष रहे 2014 में महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठजोड़ की सत्ता में वापसी हुई लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी समय से शिवसेना को बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद यह एहसास होने लगा था कि भाजपा असल में उसकी जमीन हड़प रही है तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना ने 2014 में विधानसभा का चुनाव भाजपा से अलग होकर लड़ा भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई शिवसेना ने चुनाव के बाद उससे गठजोड़ किया कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखे और यह सरकार पाँच वर्षों तक चली लेकिन दो का जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है वो उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ा लोकसभा के चुनाव में इस गठबंधन को अच्छी सफलता मिली विधानसभा के चुनावों में भी गठबंधन को जीत मिली लेकिन चुनावों के बाद शिवसेना ने यह शर्त रखी कि उसके नेता ही मुख्यमंत्री बने और आधे आधे कार्यकाल तक भाजपा और शिवसेना के मुख्यमंत्री रहें हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस शर्त को नहीं माना और उसके बाद शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़ लिया और अभी वह कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में एक सरकार चला रही है जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं अब अगर आ, हम शिवसेना की राजनीति को आ, और नज़दीक जाकर देखें तो हम यह पाएंगे कि इसमें जो एक तत्व था जिसमें कि वह बाहरी लोगों पर आ, लगातार हमले करती थी वो तत्व काफ़ी कमज़ोर पड़ा और उस तत्व को या उस मुद्दे को आ, मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिसकी स्थापना राज ठाकरे ने की थी जो कि बाला ठा था, बाल ठाकरे के भतीजे थे उसने उस भूमिका को अपना लिया तो शिवसेना की जो मुख्य कोशिश रही है वह यह कि वह अभी भी महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करती है लेकिन आम तौर पर और अपने आप को हिंदू प्रतीकों से भी जोड़कर रखती है लेकिन आम तौर पर अब उस तरीके की क्षेत्रवादी राजनीति को बहुत ही मजबूती से आगे नहीं बढ़ाया जाता जो पहले किया जाता रहा था इसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि उस मोर्चे पर यानी कि मारपीट वाली राजनीति कभी बिहार या यूपी के लोगों को पीट देना गैर हिंदी भाषी लोगों के साथ हिकारत का व्यवहार करना इस तरह की जो पूरी राजनीति है उसे राज ठाकरे ने अपना लिया और लेकिन चूँकि इसका संगठन मोटे तौर पर ज़्यादा मजबूत था तो शिवसेना ही एक मजबूत पार्टी के रूप में रही और राज ठाकरे राजनीति में अपना कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए लेकिन इसकी जो सीमा रही है वह यह कि पिछले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने इसकी जमीन को काफ़ी हद तक अपने नियंत्रण में ले लिया है और यह एक छोटी पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी की तुलना में और एक खास तरह की राजनीति जो कि बाल ठाकरे की पहचान थी एक उग्र किस्म का हिंदुत्व की, की राजनीति और एक व्यक्ति केंद्रित राजनीति यानी कि अगर बाल ठाकरे किसी चीज़ को मुंबई में चाह जाए तो वो होगी उस तरह की धमक दिखाने में बाल ठाकरे के बाद शिवसेना कामयाब नहीं रही है लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि यह एक ऐसे क्षेत्रीय दल का नेतृत्व करती है जो कि मुख्य रूप से क्षेत्रीय पहचान के साथ साथ एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के पहचान से भी खुद को जोड़कर रखने की कोशिश करती है क्षेत्रीय पहचान यानी कि महाराष्ट्र में मराठा पहचान और राष्ट्रीय पहचान यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक के द्वारा स्वयंसेवक संघ के द्वारा हिंदुत्व की राजनीति की जाती है यह उससे भी खुद कर खुद को जोड़कर रखने की लगातार कोशिश करती रही है आने वाले समय में इसके लिए और कई तरह की चुनौतियां होंगी इसे पहली बार अपने आप को एक ऐसे सरकार से जोड़ने का मौका मिला है जहाँ पर इसकी स्थापना करने वाले नेता की पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं तो यह किस दिशा में अपनी राजनीति को ले जाते हैं यह आगे देखने वाली बात होगी एक तीसरे क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में हम द्रविण मुनित कसगम का या डीएमके या द्रमुक जिसे कहा कहा जाता है कई बार द्रमुक शब्द कई बार हिंदी के अखबारों में प्रयुक्त होता है जो कि द्रविण मुनेत्र कसगम के जो प्रथम अक्षर हैं तीनों शब्दों के उसको मिलाकर बना है आ, आ, अंग्रेजी में इसको डीएमके के शॉर्ट रूप में जाना जाता है और इसका पूरा जो आ, नाम है वह द्रविण मुनेत्र कसगम है आ, हम इसकी बात करेंगे और इसी के संदर्भ में हम आ, बहुत ही संक्षेप में ए या अन्ना की भी चर्चा करेंगे डीएमके uh, या द्रमुक की बुनियाद सी नतीसा मुदलियार द्वारा 1916 में स्थापित जस्टिस पार्टी में देखी जा सकती है उन्नीस में पेरियार ने द्रविड़ कजगम का गठन किया जिसने अन्य बातों के अलावा द्रविड़ नाडु की मांग की पेरियार रामास्वामी नायकर पेरियार अपने आप में एक बहुत ही रेडिकल चिंतक माने जाते हैं जिन्होंने ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया और उन्होंने उत्तर भारत की तरफ से आने वाले सांस्कृतिक प्रतीकों को भी प्रश्नांकित किया और उच्च जातियों के द्वारा थोपे जाने वाले सांस्कृतिक नैरेटिव की भी आलोचना की तो एक तरीके से जो जस्टिस पार्टी थी और उसके साथ जो पेरियार की राजनीति थी उसमें पिछड़े जातियों की जो भावना है और जो द्रविण अस्मिता है जो तमिलनाडु की अस्मिता है जो बाद में तमिलनाडु की अस्मिता बनी जो द्रविण अस्मिता है उसकी काफ़ी बात की जाती थी 1944 के बाद उन्नीस में आ, सी अन्ना दुरई और द्रविण कसगम के कुछ अन्य नेताओं ने आ, द्रमुक का गठन किया द्रविण मुनेत्र कसगम का गठन किया और करुणानिधि भी इससे जुड़ गए करुणानिधि जो आ, पहली पार्टी द्रविण कसगम बनी थी जो कि आम सीधे तौर पर बहुत राजनीतिक पार्टी नहीं थी चुनाव में आ, इसने बहुत कोई ख़ास हिस्सेदारी नहीं की अर्ध सामाजिक अर्ध राजनीतिक संगठन के रूप में वो था और अन्ना दुरई ने इसे एक राजनीतिक संगठन के रूप में गठित किया वहाँ पर पेरियार से बहुत सारे लोगों की नाराज़गी थी क्योंकि उन्होंने अपनी कम उम्र की काफ़ी कम उम्र की एक लड़के से विवाह कर लिया था कई विचारधारात्मक मुद्दे भी थे जिसके कारण ये लोग पेरियार से अलग हुए अब आ, जब आ, ये द्रविड़ कसगम पार्टी गठित हुई द्रविड़ कसगम पार्टी से द्रमुक का गठन हुआ द्रविड़ मुनेत्र कसगम का या डीएमके का तो इसने मुख्य रूप से कुछ पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया इसने द्रविण अस्मिता की बात की यह बात पहले भी रही थी द्रविण कज़गम में भी इसने मुख्य रूप से इसे चुनावों में एक मजबूत विषय के रूप में रखा कि द्रविण पहचान होनी चाहिए हिंदी विरोध को इसने एक मुख्य आधार बनाया हिंदी विरोध का यहाँ पर तात्पर्य यह था कि जिस तरीके से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में राजभाषा के रूप में थोपे जाने की बात हो रही थी और अगर थोपे जाने की बात नहीं भी हो रही थी तो लागू करने की बात हो रही थी और जो तमिलनाडु के लोग थे उनके लिए यह थोपे जाने के रूप में ही था क्योंकि वे हिंदी को कभी भी एक स्वाभाविक रूप से आ, ऐसी भाषा के रूप में नहीं देखते थे जिसे वो अपनाना चाहते हों तो आ, उन्नीस के आसपास राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में हिंदी को जो उस समय मद्रास प्रांत के रूप में था वहाँ हिंदी को लागू करने की कोशिश की तो जो लोग थे द्रविण कसगम के जो नेता थे उन्होंने इसका तीखा विरोध किया था बाद में अन्ना दुरे अन्ना दुरे के नेतृत्व में डीएमके ने भी या द्रमुक ने भी इसे एक मजबूत बिंदु के रूप में रखा फिर इसने निम्न जातियों के सशक्तिकरण और ब्राह्मणवाद के विरोध पर अपना ध्यान लगाया यानी कि जो ब्राह्मणवादी प्रतीक थे उसका सबसे ज़्यादा मजबूती से मद्रास प्रांत में ही विरोध हुआ और इसके अलावा आत्मसम्मान विवाह का आरंभ करने पर जोर दिया और निश्चित रूप से एक सामाजिक पहलू था जिसमें ब्राह्मणों की गैर मौजूदगी में विवाह करने पर जोर दिया गया यानी कि विवाह का रस्म पूरा करने के लिए ब्राह्मणों की कोई ज़रूरत नहीं है इस बात पर जोर दिया गया उन्नीस में आ, हमने पिछली कई चर्चाओं में देखा है कि उन्नीस में जो विभिन्न राज्यों के चुनाव हुए वह एक परिवर्तनकारी चुनाव थे और उसमें तमिलनाडु जो उस समय मद्रास प्रांत था उसमें भी सत्ता बदली और वहाँ पर द्रमुक या डीएमके की सरकार बनी और अन्ना दुरई मुख्यमंत्री बने और अन्ना दुरई का जो मुख्यमंत्रित्व तो काल था वह अपने आप में रेडिकल परिवर्तन वाला काल था और सबसे आ, पहले तो इन्होंने 14 जनवरी उन्नीस को मद्रास प्रांत का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया हालांकि उन्नीस में दो साल बाद सत्ता में आने के अन्ना दुरे की मृत्यु हो गई और उसके बाद आ, करुणा निधि जो है वो डीएमके के अध्यक्ष बने और वे तमिलनाडु के उस समय मुख्यमंत्री बने और, आ, और वो पांच बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे और हमेशा से शुरुआत से ही जो डीएमके की राजनीति रही वो एक तरीके से केंद्र की राजनीति के बरक्स खुद को रखकर रह देखते रहे कई बार उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया कई बार उन्होंने गैर कांग्रेस वाद की राजनीति को अपनाया और फिर डीएमके का कांग्रेस से जुड़ाव भी हुआ करुणानिधि एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं या थे जिन्होंने सत्तर के दशक में इस बात पर जोर दिया कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी आ, राज्यों का झंडा फहराने का अधिकार है अब देश का झंडा राज्यों में फहराने का अधिकार है 15 अगस्त और 26 जनवरी को उसके पहले आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर जो झंडा तोलन का कार्यक्रम होता था वही मुख्य कार्यक्रम होता था तो ये क्षेत्रीय पहचान आ, या क्षेत्रीय दावेदारी की जो राजनीति थी वह करुणानिधि ने आरम्भ की उन्नीस में एम जी रामचंद्रन जो थे वो आ, अलग हो गए करुणानिधि की आ, पार्टी से एम जी राम राम करुणानिधि भी तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे वो स्क्रिप्ट राइटर के रूप में थे एम रामचंद्र हीरो थे और दोनों में एक टकराव हुआ और उन्होंने उन्नीस उन्हों में डीएमके या द्रमुक से अलग होकर अपनी एक पार्टी ए आई ए डी एम के या अन्ना द्रवीण मुनेत्र गजगम का गठन किया ए आई ए डी एम के गठन के बाद राज्य की राजनीति पर मुख्य रूप से इन्हीं दो दलों का वर्चस्व हो गया कांग्रेस एक छोटी शक्ति बन गई और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी थी उसका वहाँ पर उस समय भी कोई प्रभाव नहीं हो पाया था और अभी भी उसका कोई खास प्रभाव नहीं है श्री रामचंद्र राव के तीन बार मुख्यमंत्री बने उनके बाद कुछ समय तक जानकी रामचंद्रन जो कि उनकी पत्नी थी वो मुख्यमंत्री रहीं लेकिन नब्बे के दशक में जयललिता ने अन्ना की कमान संभाली जयललिता एक तरीके से श्री रामचंद्रन से की मित्र थी महिला मित्र थी और उनके बाद उन्होंने उनकी राजनीति की विरासत को संभाला और उन्होंने अन्ना की राजनीति को एक नई पहचान दी जललिता और अगर करुणानिधि की हम राजनीति को देखेंगे तो बुनियादी रूप से इन दोनों की राजनीति में हमें एक कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज़म दिखेगा यानी कि दोनों ही दोनों ने ही एक तरीके से पिछड़े वर्ग को ज़्यादा सशक्त बनाने लोगों के लिए ऐसे काम करने जो बहुत दीर्घकालिक परिवर्तन ना करके लोगों को कुछ राहत दें उन्हें अपनी ओर आकर्षित करें ऐसा काम करने की कोशिश की और इसमें कुछ सफलता या कुछ विफलता के आधार पर इनके बीच में सत्ता की फेरबदल भी होती रही लेकिन अब हम यह कह सकते हैं कि 1990 से लेके जलिलता के मृत्यु तक जो राज्य की राजनीति है वह इन्हीं दो ध्रुवों के बीच में झूलती रही हालांकि कई अन्य पार्टियां भी उभर कर आईं और मौके बे मौके बेमौके कांग्रेस को भी राज्य की राजनीति में लोकसभा के चुनाव में फ़ायदा हुआ लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी अपने आप को किसी एक गठबंधन से किसी एक पार्टी से गठबंधन बनाने तक ही सीमित रखा कभी उसने ए आई से गठबंधन बनाया और कभी डी से और डीएमके एम या द्रमुक ने भी अपने आप को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से भी जोड़ा और बाद में इसने खुद को यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उससे भी जोड़ा और इन दोनों आ, जो आ, दोनों व्यक्तित्व जो थे उनकी जो राजनीति थी आ, उसमें एक तरीके का लचीलापन दिखता है जिसमें ये चाहते थे कि राज्य की राजनीति में इनकी जो ऑटोनॉमी है वह कायम रहे और केंद्र की राजनीति में ये अपने कुछ मंत्रियों को भेजने तक संतुष्ट थे ए, ए, इक्का मौके ऐसे भी आए जब जललिता ने केंद्र की के राजनीति में हाथ आजमाने की कोशिश की और उन्नीस में विशेष रूप से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने में जलिलिता की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई मौजूदा समय में आ, जो जललीता की पार्टी है वो एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि संकट का सामना कर रही है उनकी मृत्यु के बाद आ, 2016 के चुनाव जललिता जीत चुकी थी और उसके कुछ महीनों बाद उनका देहांत हुआ और उसके बाद आ, ओ पन्नीर सेल्वम जो हैं वो मुख्यमंत्री बने और पार्टी के भीतर एक तरीके का एक ऐसा मजबूत व्यक्तित्व भरकर सामने नहीं आ पाया जो कि जलील जलीलता का स्थान ले तो भविष्य में इस पार्टी की दिशा क्या होगी यह अभी नहीं कहा जा सकता है करुणानिधि की दूसरी तरफ अपनी पार्टी के भीतर एक नेतृत्व का विकास कर पाए हालांकि यह नेतृत्व तो उनके अपने परिवार से ही निकल कर सामने आया उनके पुत्र स्टालिन अभी डी के अध्यक्ष हैं तो अगर हम इन दोनों पार्टियों की पूरी राजनीति को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों ने व्यक्ति केंद्रित राजनीति को बढ़ावा दिया और करुणानिधि के मामले में वह परिवार की राजनीति तक भी गया इन दोनों की इन दोनों पार्टियों की राजनीति पॉपुलिस्ट राजनीति रही है पॉपुलिस्ट राजनीति जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत दीर्घकालिक रूप से परिवर्तनकारी राजनीति ना होकर जनता को आकर्षित करने वाले छोटे मोटे छूट देने उन्हें अपने से जोड़े रखने के लिए कुछ हद तक लोकप्रिय नारे उछालने की राजनीति तक सीमित रही है और जो तीसरी बात है वह यह कि इन्होंने अपनी राजनीति में राज्य की स्वायत्तता पर काफ़ी जोर दिया और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो उनकी राजनीति है जहाँ वो मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर केंद्र की कम से कम दखल हो हालांकि इसमें संघर्ष के भी कई मौके आए और कई तरह की घटनाएं सामने आईं। भविष्य में इन दोनों दलों की राजनीति और इन दोनों दलों की राजनीति में कोई ठोस रूप से गैर कांग्रेसवाद या गैर भाजपावाद जैसे तत्वों को ढूंढना बेमानी है क्योंकि इन दोनों दलों ने समय समय पर इन राष्ट्रीय स्तर के इन दलों के साथ गठजोड़ किया है तो इस लिहाज से जो यह राजनीति है आ, 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 आंध्र प्रदेश सॉरी तमिलनाडु की वह एक विशिष्ट किस्म की क्षेत्रीय राजनीति को प्रस्तुत करती है इसके बाद हम चौथी पार्टी के रूप में तेलुगु देशम पार्टी को देखेंगे हालांकि जब से आ, आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ है और आंध्र प्रदेश के विभाजन होने के बाद तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया है तो तेलुगु देशम पार्टी मुख्य रूप से आ, आ, आंध्र प्रदेश तक सीमित पार्टी बनकर रह गई है क्योंकि वो आंध्र प्रदेश केंद्रित पार्टी ही थी तो जब तेलंगाना राज्य नहीं बना था तो एक बड़े फलक वाले राज्य पर जहाँ से तकरीबन चालीस सांसद चुने जाते हैं वहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी का प्रभुत्व था लेकिन अब यह सीमित हो गया है लेकिन इसके बावजूद यह एक महत्वपूर्ण पार्टी मानी जा सकती है क्योंकि 80 के दशक में जब तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियाँ कमजोर हो गई थी उन्नीस uh, सौ के चुनाव के दौरान uh, तो उस समय तेलुगु देशम पार्टी एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभरी थी और तेलुगु देशम पार्टी ने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार में और संयुक्त मोर्चे की सरकार में उसको बनने में उसको एक आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एन टी रामाव द्वारा उनतीस मार्च उन्नीस को हैदराबाद में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की गई थी रामाराव तेलुगु फिल्मों के मशहूर और लोकप्रिय अभिनेता थे और उन्होंने जब अपनी पार्टी का गठन किया तो उसमें उन्होंने भाषी लोगों के राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की सुरक्षा को अपना लक्ष्य घोषित किया इसने आम भाषी लोगों को जीवन की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और महिलाओं युवकों और पिछड़े समूहों के लोगों को सशक्तिकरण करने लोगों का सशक्तिकरण करने का वायदा किया जर्वनी जनवरी उन्नीस में हुए चुनाव में टी ने राज्य के एक छोटे दल संजय विचार मंच से गठजोड़ कायम किया चुनाव में टीडीपी या तेलुगु देशम पार्टी के गठजोड़ को पूर्ण बहुमत मिला दो सौ सदस्यीय विधानसभा में टीडीपी को एक और इसके सहयोगी दल को तीन सीटें मिली इस तरह जनवरी उन्नीस में रामाराव राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने उसके पहले आंध्र प्रदेश में कभी भी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं हुआ था आ, लेकिन 15 अगस्त उन्नीस को आ, 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 आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रामलाल ने आ, रामा राव को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया उस समय राव अपने दिल की सर्जरी करवाने के लिए अमेरिका गए थे यह एक ऐसा घटनाक्रम है जिसने एन टी रामा राव को गैर कांग्रेसवाद की धुरी बना दिया और आ, आ, जब रामा राव अपनी सर्जरी करवाने के लिए अमेरिका गए थे तो राज्यपाल ने उनकी जगह टीडीपी के असंतुष्ट नेता भास्कर राव को मुख्यमंत्री बनवा दिया राव ने यह दावा किया था कि उनके पास टीडीपी के अधिकांश सदस्यों का समर्थन है राव का यह दावा गलत था वापस लौटने पर रामा राव ने राज्यपाल के सामने अपने समर्थक विधायकों की परेड करवा दी लेकिन राज्यपाल अपने निर्णय पर कायम रहे राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ रामा राव ने एक बार फिर से चैतन्य रथम अभियान शुरू किया जो कि उन्होंने अपनी पार्टी के गठन के बाद भी किया था और उनके इस अभियान को काफ़ी समर्थन मिला इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश गैर कांग्रेसी दलों ने राव का समर्थन किया मसलन जनता पार्टी भारत, भारत भारतीय जनता पार्टी वाम मोर्चा और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों ने राज्यपाल के कदम का विरोध किया और रामाराव की मांगों का समर्थन किया आखिरकार व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए इंदिरा गांधी ने रामलाल को राज्यपाल के पद से हटा दिया और उनकी जगह शंकर दयाल शर्मा जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने उनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया शंकर दयाल शर्मा ने भास्कर राव को मुख्यमंत्री पद से हटाकर फिर से रामा राव को मुख्यमंत्री बना दिया आ, अक्टूबर उन्नीस के बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उन चुनावों में पूरे देश में कांग्रेस को सहानुभूति लहर का फ़ायदा मिला और उसे ज़बरदस्त जीत हासिल हुई लेकिन आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली यहाँ की तेलुगु देशम पार्टी को जीत हासिल हुई और उन्नीस के लोकसभा चुनाव के बाद तेलुगु देशम पार्टी मुख्य विपक्षी दल बन गया उसके बाद राष्ट्रीय मोर्चे की राजनीति आरंभ हुई और राष्ट्रीय मोर्चे की राजनीति में तेलुगु देशम पार्टी के जो अध्यक्ष थे एन टी उन्हें राष्ट्रीय मोर्चे का भी अध्यक्ष बनाया गया आ, लेकिन जब राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी तो तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष के रूप में एन टी रामा ने राष्ट्रीय राजनीति में कोई रुचि नहीं ली उन्नीस में एक बार फिर से ये प्रचंड बहुमत के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने लेकिन पार्टी के भीतर विवाद हुआ क्योंकि उनके परिवार के लोग यह नहीं चाहते थे कि रामाराव अपनी पत्नी जो कि उन्होंने उसी समय शादी की थी उनके इशारों पर चलें या उनका नियंत्रण सरकार पर हो तो पार्टी के भीतर इस तरह का द्वंद्व था और विशेष रूप से रामाराव के परिवार के भीतर द्वंद्व था जिसके कारण से चंद्रबाबू नायडू जो कि उनके दामाद थे उन्होंने उनके खिलाफ बगावत कर दी और अधिकांश विधायक चंद्रबाबू नायडू के साथ चले गए रामाराव की सरकार का पतन हो गया और उसके स्थान पर टीडीपी की ही सरकार बनी और वो सरकार चंद्रबाबू नायडू की थी आ, कुछ समय तक एन टी ने एक अलग पार्टी बनाने की कोशिश की फिर उनका देहांत हो गया और चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली पार्टी ही असल में मुख्य देशम पार्टी बन गई और उसके बाद जब संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी तो संयुक्त मोर्चे के संयोजक के रूप में चंद्रबाबू नायडू ने काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से अपनी भूमिका निभाई चंद्रबाबू नायडू का जो शुरुआती दस साल का कार्यकाल था उसमें चंद्रबाबू नायडू की छवि 2004 तक नौ सालों का उसमें चंद्रबाबू नायडू की छवि एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में सामने आई जो तकनीक पर ध्यान देते हैं जो राज्य का एक नए तरीके से विकास करना चाहते हैं तो उदारीकरण के दौर में एक विकास का जो मॉडल हो सकता है तकनीक के आधार पर नए शहरों का विकास नई सुविधाओं का विकास उसके वाहक के रूप में चंद्रबाबू नायडू आए हालांकि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो उन्हें चुनावों में हार का सामना करना पड़ा फिर से आ, दस सालों के बाद वो सत्ता में वापस आए भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन हुआ लेकिन आ, फिर पिछले चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा आ, जो 2019 के चुनाव हुए तेलुगु देशम पार्टी की स्थिति जैसे मैंने पहले बताया पहले भी वो एक क्षेत्रीय दल के रूप में ही था लेकिन अभी देशम पार्टी की स्थिति और सिकुड़ी है क्योंकि खुद आंध्र का विभाजन हो चुका है लेकिन यह एक ऐसे दल के रूप में क्षेत्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में रहा जिसने कि क्षेत्र की, की राजनीति को वरीयता दी लेकिन तीसरे मोर्चे के राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में एक लंबे समय तक इसके जो नेता हैं वह एक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजनीति के धारक के रूप में रहें चाहे वो एन टी रामा हों उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में काम किया या फिर वो और वो देश भर में उन्होंने यात्राएं भी की या फिर चंद्रबाबू नायडू हों जो संयुक्त जो संयुक्त मोर्चा के संयोजक के रूप में रहें आ, इन चार दलों के अलावा आ, हम और कई ऐसे क्षेत्रीय दलों को देख सकते हैं और एक प्रवृत्ति के रूप में हमारे देश में सामने आई है यह प्रवृत्ति जहाँ पर राज्य कई दल जो खुद को अपने आप को बनाते हैं उनका यह लक्ष्य ही होता है कि वो राज्य स्तर की राजनीति में या राज्य के किसी क्षेत्र विशेष में अपने प्रभाव को कायम कर पाए और उसमें हम उत्तर प्रदेश में कई ऐसे दलों को देख सकते हैं और उसी तरीके से झारखंड में इस तरीके के दलों को देखा जा सकता है चाहे आजसू हो चाहे झारखंड विकास पार्टी के रूप में एक दल गठित हुआ था उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी के रूप में एक दल गठित हुआ था और ऐसे ही कई दलों को असल में हम उनके अस्तित्व को देख सकते हैं तो ये एक नए तरह का घटनाक्रम है एक नई तरह की प्रवृत्ति है जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मैंने बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का की चर्चा इस पूरे प्रस्तुतिकरण में की है जो चार क्षेत्रीय दल हैं लेकिन कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो कि इस चर्चा से बाहर रह गए हैं लेकिन आम तौर पर जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी खूबी यह है कि जो भारत का एक संघीय स्वरूप है उसको उन्होंने बहुत मजबूती से रखा है यानी कि हर क्षेत्र की अपनी विशिष्टता है और उस विशिष्टता को नकार कर उसकी उपेक्षा कर कर क्षेत्रीय राष्ट्रीय दल यह कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो उन क्षेत्रों के लोगों का विश्वास जीत पाएंगे लेकिन क्षेत्रीय दलों की जो एक कमी रही है वो यही रही है कि आ, उनमें से अधिकांश दल आ, परिवारों के दल के रूप में सिमटकर रह गए हैं मैंने यहाँ जिन चार दलों का उदाहरण लिया अगर हम उनकी बात करें तो अकाली दल प्रकाश सिंह बादल के परिवार की एक तरीके से संपत्ति है जो तेलुगु देशम पार्टी है वो चंद्रबाबू नायडू और उनके परिवार की संपत्ति है अगर हम डीएमके की बात करें तो वो करुणानिधि के बाद उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनकी संपत्ति बन चुकी है चूँकि ए आई की अध्यक्षा जे जयलीलिता का अपना को जो महासचिव हुआ करती थी असल में वहाँ शब्द अध्यक्ष की जगह महासचिव इस्तेमाल होता था उनका अपना कोई परिवार उनके अपने बच्चे नहीं हैं तो वो एक तरीके से बिखराव की स्थिति में है लेकिन क्षेत्रीय दल एक ऐसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकास नहीं कर पाए हैं जिसके आधार पर निर्णय निर्माण की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हम बात कर पाएँ जिसके आधार पर हम यह कह पाएँ कि उन पार्टियों में यह गुंजाइश है कि जमीनी स्तर से उभरते हुए कोई नेता वहाँ पर अध्यक्ष पद पर पहुँचे या एक ही स्तर के कई तीन चार पाँच नेता हों और उनके बीच में लोकतांत्रिक प्रतियोगिता हो रही हो तो ये कमी असल में बहुत सारी पार्टियों में अलग अलग रूपों में है और हमने बहुत सारी पार्टियों की कमियों को देखा है लेकिन यानी राष्ट्रीय दलों की कमियों को वहाँ भी ये समस्याएं हैं लेकिन क्षेत्रीय दल चूँकि अपने आप में आ, सीमित प्रभाव वाले होते हैं तो कई बार इसका नुकसान राज्य की जनता को भी उठाना पड़ता है क्योंकि उसके सामने विकल्प उस तरीके से उभर कर सामने नहीं आ पाते हैं और राष्ट्रीय दलों की एक मजबूरी होती है कि वे अपने आप को ज़्यादा लोकतांत्रिक दिखाएं। क्षेत्रीय दल कई बार खुद को इस मजबूरी से मुक्त कर लेते हैं अब उसमें अगर हम तेलंगाना में उभर कर आई पार्टी की बात करें या फिर जो वाई कांग्रेस की बात करें इस तरीके के जो दल हैं या तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो उसमें भी इस तरह की सीमाएं दिखती हैं और एक गतिशील या गत्यात्मक लोकतंत्र के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि किस तरीके से वो एक ऐसी दलीय प्रणाली का विकास करें जो कि वास्तविक अर्थों में लोगों की विचारों को सामने रख पाए ना कि जैसा कि रूसों ने प्रतिनिधिमूलक शासन और प्रतिनिधियों की पूरी व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा है कि वो असल में ऐसे ब्रोकर बन जाते हैं जो अपने हितों का ख्याल रखते हैं तो अगर हमें अपने प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधियों को ऐसा बनने से बचाना है या अगर वो कुछ हद तक ऐसे हैं तो एक आदर्श रूप में लाना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राजनीतिक दलों के भीतर भी लोकतंत्र हो और एक ऐसी व्यवस्था कायम हो जिससे कि कार्य करते हुए कार्यकर्ता वास्तविक रूप में अपने कार्य के आधार पर पुरस्कार पाएं चुनाव लड़ें चुनाव जीतें और जनता का प्रतिनिधित्व करें ना कि सिर्फ कुछ परिवारों का वर्चस्व हम बहरहाल मेरी कोशिश यही आ, इस प्रस्तुति में रही कि मैं आपको क्षेत्रीय दलों के की बात करते हुए मुख्य रूप से राज्य स्तरीय दलों में से चार दलों की चर्चा करूं कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों की चर्चा हमने जनता दल की विचारधारा से जुड़े दलों के रूप में की है मुझे उम्मीद है कि इन क्षेत्रीय दलों के बारे में इस प्रस्तुति के माध्यम से आप एक समझ बना पाए होंगे हम आ, अगली चर्चा में जब मिलेंगे तो भारतीय शासन एवं राजनीति के किसी अन्य विषय पर किसी अन्य पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे नमस्कार